पंजाब की कांग्रेस सरकार की घर घर नौकरी की मुहिम फेल हो चुकी है। चंगी पढ़ाई कर चुके नौजवान नौकरियां ना मिलने कारण झोने की फसल लगा रहे ने अते एह कार्ज करके अपने मजदूरी करके परिवार का पालन पोषण कर रहे ने। बरनाला जिला के पिंड हमीदी के एक ही परिवार के पढ़े लिखे तीन मैंबर झोने की फसल लगा के यानी कि मजदूरी करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे ने। परिवार विच सरबजीत कौर ETT NTT पास है अते ठेका आधारित सरकारी अध्यापक है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा उन्हां दा पुत्र हरमन सिंह अते सरबजीत दा MA दे पास कीता होया भतीजा गुरप्रीत सिंह घर दे गुजारे लई झोना लगा के एक कार्ज कर रहे ने। सरबजीत ETT अते NTT पास ठेका आधारित सरकारी अध्यापिका है जिसनूं सरकार वल्लों सिर्फ 6000 रुपया प्रति महीना दिता जांदा है। उत्थे ही गुरप्रीत अते हरमन ने कहा कि उन्हां ने नौकरी लई कई थावां ते अप्लाई कीता है परंतु उन्हां नूं किते वी नौकरी नहीं मिली। घर दा गुजारा करन लई मजदूरी करके आपदा परिवार का ढिड पाल रहे ने। उन्होंने कहा कि सरकार सिर्फ अपने करोड़पति विधायकों नूं नौकरी दे रही है, आम लोगों लई सरकार दे कोल कोई नौकरी नहीं है अते ना ही कोई स्कीम है। मैं जी BA MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो पास की थी। लोकल एरिया के बच्चे मैं कई बार जॉब लई ट्राई किया गई पर मैं उन्होंने वालों कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला है तो मजबूर होकर मैं भी झोना लाना पे। घर ही मदर फादर ने भी मेरा छोटा ब्रदर है भी सिस्टर ने ही घर का गुजारा भी हम लॉकडाउन करके ही बहुत मुश्किल ना चल रहा है। कुछ जॉब होने कारण ना होने करके ही मैं झोने के ला बिल्कुल सरकार के झूठे वादे ने गई घर घर नौकरी वाली कोई गल नहीं गई। कई बार ट्राई किया गया उन्होंने भी सिर्फ 4500-5000 तक भी जॉब सीमित थी। वह भी सिर्फ सीजन के दौरान जिन्ना टाइम उन्होंने सीजन होंगे उन्ना टाइम वो जॉब कराते हैं तो उस तो बाद कह देंगे कि साढ़े को रिक्वायरमेंट नहीं हैगी तो सू इन बंद की जरूरत नहीं हैगी फिर कॉल करा इस बारे वह कह के भी हटा दिता जाता गा। उधर भी बहुत बार ट्राई किया गया तो पर बिल्कुल झूठे वादे ने सरकार भी ये सारे ग्रैजुएशन तो उपर ने जी। मेरा कजन ब्रदर है BCA करता गा जी तो मेरा छोटा ब्रदर है जी मकैनिकल इंजीनियरिंग का कोर्स करता। मेरे मदर फादर ने जी तो मेरे भूआ जी ने वो प्राइमरी टीचर ने ETT करने के बावजूद जो 7वां दिन जी मोहाली विखे धरना चल रहा उन्होंने जी तो सरकार उन्होंने भी कोई गल नहीं सुनती। बिल्कुल जी सरकार की तो वही गल है जी अन्ना वंडे रेवड़ियाँ मुड़ अपन भी तो सिर्फ बड़े तक ही सीमित रह गई जी तो गरीबों लिए कोई नहीं कुछ कर रहा जी। लौटवंद बिल्कुल वेले ने जी तो बिल्कुल सरकार दूठिया गलों ने गई इन्ना पढ़न लिखन के बावजूद भी असं झोना लाने लिए मजबूर हैं जी। बिल्कुल झूठे वाद नहीं सरकार जी यदा मुख कारण तो यही है जी जिमें हम ज़्यादा पढ़े लिखे हाँ गए जिमें ETT की मैंने +2 BA ETT NTT पास की तो सानू सरकार ने 2003 के EGS सेंटर खुलवाए थे कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार से जी उस टाइम तो जदों असी सेंटर खोले ने 1000 रुपया महीने से असी काम किया। उस तो बाद मतलब वह 4 साल चली स्कीम उस तो बाद स्कीम 2008 के बंद हो गई। उदू बाद फिर असी संघर्ष किया जी संघर्ष करने तो बाद बादल सरकार सी तो उन्हों तो असी संघर्ष करके ETT की मांग की तो उन्होंने सानू कहा भी ETT करो फिर तुहानू पक्के किया जाऊगा स्कूलों के। असी 2009-11 बैच से 2009 के ETT के एडमिशन मिली सानू संगरूर डाइट के ETT करी। ETT करन तो बाद 4 साल असी वेले बैठे उस तो बाद फिर संघर्ष जारी किया जी। संघर्ष करन तो बाद 2014 के सानू स्कूलों के रखा गया जदों के सानू 5000 रुपया स्कूलों के दिता गया। 5000 ते असीं सवेरे 8 बजे तो लैके जाते थे सरकारी टीचरों के बराबर काम करते थे रेगूलर टीचरों के बराबर काम किया तो सानू मेहनताना मिलता सी सिर्फ 5000 मिलने तो बाद 2017 फिर दोबारा संघर्ष असी जारी रखे अपना संघर्ष करने तो बाद सानू फिर 2017 तो बाद सानू 6000 रुपया मिलने लग्या जो कि हुण तक सानू 6000 रुपया मिल रहा। 6000 दे नाल साडा कोई गुजारा नहीं हो रहा परिवारक गुजारा जिहड़ा ओह औखा गा इसलिए सानू आह दिहाड़ियाँ करनिया पैंदियां ने मजबूरी बस ते 6000 दे नाल साडा जिहड़ा घर दा गुजारा ओह बहुत मुश्किल हो रहा। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਕਮਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੀ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6000-6500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ
ਕੋਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਤੇ, ਕੋਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ। ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜੋਧਾ ਹੀ ਐਸਾ ਹੱਲਾ ਮਾਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀਟਾਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਲਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਟਾਂ ਰੋੜੇ ਫੜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਪੇਟ ਭਰੀਏ ਜੀ, ਪੇਟ ਤਾਂ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਕੇ ਤਮਾਮ ਖਬਰੋਂ ਸੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਲੀਏ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੀਏ ਸੱਚ ਕਹੂੰ, ਔਰ ਬੈਲ ਆਇਕਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪਾਏ ਹਰ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਸਭ ਸੇ ਪਹਿਲੇ।